डर लगता है कि ऑक्सीजन की कमी से कहीं कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। ईश्वर ना करे अगर ऑक्सीजन ना मिलने से कुछ अनहोनी हो गई तो हम सब कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे। प्रधानमंत्री जी, कोरोना से देश को बचाने के लिए एक नेशनल प्लान बनना चाहिए। इस नेशनल प्लान के अंतर्गत देश के सभी ऑक्सीजन प्लांट्स को तुरंत आर्मी के जरिए केंद्र सरकार टेक ओवर करे। ऑक्सीजन प्लांट से निकलने वाले हर ट्रक के साथ एक आर्मी का एस्कॉर्ट व्हीकल रहेगा तो कोई उस ट्रक को फिर आगे रोक नहीं पाएगा। तो प्रधानमंत्री जी, सबसे पहले आपको धन्यवाद देता हूँ कि केंद्र सरकार ने दिल्ली का ऑक्सीजन का कोटा बढ़ा दिया है। लेकिन सर, मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि इस बढ़े हुए ऑक्सीजन के कोटे को दिल्ली तक पहुँचाने में हमारी मदद करें। एक एस्टिमेट के हिसाब से दिल्ली को 700 टन ऑक्सीजन की ज़रूरत है। आपने हमारा कोटा 480 टन कर दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन पिछले 24 घंटों में इस बढ़ाए हुए 480 टन में से भी केवल 350 टन ऑक्सीजन दिल्ली पहुंच पाई है। प्रधानमंत्री जी, जब से ऑक्सीजन का संकट शुरू हुआ है मेरे फ़ोन बजते रहते हैं। कभी कोई अस्पताल कहता है कि 3 घंटे की ऑक्सीजन बची है, कभी कोई अस्पताल कहता है कि 2 घंटे की ऑक्सीजन बची है। हम कारण जानने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि पीछे किसी राज्य ने दिल्ली के लिए ऑक्सीजन लाने वाले ट्रक को रोक रखा है। हमने मदद के लिए केंद्र सरकार में कुछ मंत्रियों को फ़ोन किए। शुरू में उन्होंने खूब सहयोग किया सर, लेकिन अब वो भी बेचारे थक गए हैं। सर, देश के संसाधनों पे तो 130 करोड़ लोगों का अधिकार है ना। अगर दिल्ली में ऑक्सीजन की फैक्ट्री नहीं है तो क्या दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी? जिस राज्य में ऑक्सीजन की फैक्ट्री है, क्या वो दिल्ली की ऑक्सीजन रोक सकते हैं? ऐसे में हम क्या करें? सर, मैं आपका बेहद शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आज आपने ये मीटिंग बुलाई है। बहुत सही समय पर ये मीटिंग बुलाई है। पर सर, मैं आज ये जानना चाहता हूँ कि अगर आज या कल या किसी भी टाइम हमारे दिल्ली के किसी अस्पताल में अगर 1 घंटे की, आधे घंटे की, 2 घंटे की ऑक्सीजन बच जाए और लोगों की मरने की नौबत आ जाए तो मैं फ़ोन उठा के केंद्र सरकार में किससे बात करूँ? सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर कोई राज्य दिल्ली के कोटे की ऑक्सीजन का ट्रक रोक ले तो मैं फ़ोन उठा के किससे बात करूँ? हालत काफ़ी ज़्यादा गंभीर हो चुके हैं सर। हम अपने लोगों को मरने के लिए तो नहीं छोड़ सकते। हमें लोगों को ये विश्वास दिलाना पड़ेगा कि एक एक जिंदगी हमारे सबके लिए कीमती है। हम आपसे फिर से दिल्ली के लोगों की तरफ से हाथ जोड़ के अपील कर रहे हैं कि सर, तुरंत तुरंत कोई कठोर और सार्थक कदम नहीं उठाया गया तो शायद दिल्ली के अंदर कोई बहुत बड़ी त्रासदी हो सकती है। मैं आपसे मार्गदर्शन चाहता हूँ सर। सर, कुछ ही राज्य हैं जहाँ से मैक्सिमम दिल्ली की ऑक्सीजन आती है और जहाँ सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है और जहाँ सबसे ज़्यादा हमारे ऑक्सीजन के ट्रक रोके जा रहे हैं। मेरी आपसे विनती है, अगर आप उनके उन राज्यों के मुख्यमंत्री को एक बार बोल दें, फ़ोन कर दें कि हमारे ऑक्सीजन के ट्रक ना रोकें तो दिल्ली के लोगों को ऑक्सीजन मिल जाएगी। आपका एक फ़ोन ही बहुत है सर उनको। दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की तरफ से मैं आज आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ कि सर, आप हमारी मदद कर सकते हैं। आप कृपया हमारी मदद कीजिए और अस्पताल में लोगों को, ताकि ऑक्सीजन मिले।